गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आज हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम इस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में बताओ ना जी कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता ही चुका हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करे। तो बॉइलिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर एट विच at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ऐसा टेम्परेचर किसी लिक्विड का जिसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वो कहलाता है तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। हमने दो चीज़ें सीखी, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब बात करेंगे कि जब उसमें हमने एक बात पता किया या पता चला वहाँ से एक बात कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब जो एवोपरेट नहीं होता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। कोई कंटेनर है आपके पास, आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। जब वेपर प्रेशर लो है तो आप उसको क्या करोगे, ज़्यादा हीट दोगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो इस प्रकार से ग्राफ आता है, टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर। एक बार हम लेंगे प्योर सॉल्वेंट लेंगे और इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक बार हम क्या डालेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। ठीक है, ये कर्व है जब आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, प्योर सॉल्वेंट। इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो कर्व आएगी सेकंड सॉल्यूशन के लिए वो नीचे आएगी इससे, ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को पढ़ो एक बार, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो कहलाता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर सॉल्वेंट मतलब लिक्विड ही है, ये भी लिक्विड है। मान लेते हैं ये जो कर्व है ये यहाँ पे है क्या, वन एटमोस्फेरिक है, ये है आपके पास वन एटमोस्फेरिक, 180।
ठीक है। ये जो जहाँ पे कर्व मिली है ये 180 पे एटमोस्फेरिक पे, इसको हमने बोला टीपी नोट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और जहां पे सॉल्यूशन के लिए मिली है उसको हमने बोला टीपी, और इन दोनों के डिफरेंस को नाम दिया डेल टीपी। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी क्या है आपके पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी नोट क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का टीबी नोट, और टीबी किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये जो डेल टीबी है इज इक्वल होता है किसके, देखो अब मुझे बात बताओ कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन का टीबी माइनस टीबी, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी। ये जो डेल टीबी है ना, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इसको जब हमने फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल इसको निकाला, ये डेल टीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब मोलेलिटी। पढ़ चुके हो मोलेलिटी के बारे में, तो आप कि एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो गलत है तुम्हारे पास मोलेलिटी। यहाँ से एक बात पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट से, ये क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मोलेलिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तो ये क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब हमने इसको सोल्व किया, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, ये जो के बी है ये आया आपके पास मोलल बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक और आपकी बुक में इसका नाम मिल जाएगा जिसको बोलते हैं इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, कैसे कैसा नाम है, इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट, भारी भरकम नाम, ठीक है। आप मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इसको याद रखो यार। अब डिफाइन करेंगे इस के बी को, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मोलेलिटी, मोलेलिटी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मोलेलिटी की वैल्यू क्या है आपके पास, वन है, मान लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं, तो डेल टी बी किसके इक्वल हो गया, के बी की, या मैं बोल सकता हूँ कि भाई के बी इज इक्वल टू डेल टी बी,
मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। केबी, केबी क्या था आपके पास? मोलल, मोलल का मतलब समझते हो ना, मोलल जो हम मोलरिटी का जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको मोलल में बोलते हैं, ठीक है। और जो मोलरिटी का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, मोलरिटी जिसको हम कैपिटल एम से, उसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। बोर्ड के एग्जाम में आता है डिफाइन के भी, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको याद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये बात, पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जब एटमोस्फेरिक जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो कहलाता है तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जब हम एक पीछे की नॉलेज पता होना चाहिए, पीछे जो हमने पढ़ा था कि जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, उसका इंक्रीज करता है। बस काम चल जाएगा इतने से। जब हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होता है, क्योंकि उसके अंदर वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, डेल टी बी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। टी बी माइनस टी बी नोट, ठीक है। किसको आगे लिखना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको आगे लिखना है। किसका ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, यही तो बात बताई मैंने, सॉल्यूशन, ठीक है। टी बी माइनस टी बी नोट, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है। डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिटी, डेल टी बी के बी एम, यहाँ पे मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब इसी में है कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम मोलर मास निकालना है हमें सॉल्यूट का, किससे, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। लेट अस अज्यूम कि डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन डब्ल्यू ए ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड एम बी
मोलर मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अज्यूम कर लो, वरना जब हम बताएंगे जब भी आप बता दोगे कि भाई डब्ल्यू ग्राम का कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और वो किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डब्ल्यू ए ग्राम कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर डिजोल है और जो सोल्यूट है उसका जो मोलर मास है वो क्या है एम बी है और जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास क्या है डब्ल्यू ए। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। रिजल्ट आया था ये डेल टी बी के बी एम, ठीक है। एम क्या थी मोलरिटी और मोलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये किस में ले रहे हम ग्राम में, जब ग्राम में है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे निकालते हैं, अब तो आसान है क्योंकि हम पहले भी निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे निकालते हैं मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास मास ऑफ द सोल्यूट कितना है डब्ल्यू बी। मास ऑफ द सोल्यूट कितना है मोलर मास एम बी। बस मोलरिटी क्या हो जाएगा एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू कितनी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। वेट ऑफ द सॉल्वेंट वेट का मतलब ये डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई 1000। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी। मोलरिटी की वैल्यू कितनी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में एम बी और डब्ल्यू ए। क्या निकालना हमें मोलर मास ऑफ द सोल्यूट और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने एम बी से, इसको निकालना है इस एम बी को निकालना है। ये किसके साथ है इक्वल टू के साइन के साथ है डेल के बी के साथ। इसको इस तरफ लेके जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे एम बी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा के बी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए डेल टी बी डेल टी बी। दिस इज मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इसका मोलर मास है सोल्यूट फ्रॉम कौन से फॉर्मूले किस से फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए डेल टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी बी नोट और डेल टी बी इजिकल टू के बी एम। एम बी इजिकल टू के बी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 सॉरी डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई डेल के बी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।